गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात चल रही थी काम को खिलाड़ी की भावना से करना चाहिए। जैसे खिलाड़ी खेल में पता है दो में से एक जीतना है, वो अपने खेल को खेलते रहते हैं, वैसे ही दृष्टिकोण को रख करके हमें काम में सफल होना है या असफल होना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते, परंतु प्रयास उतना नहीं किया गया जितने से सफलता मिलती है, प्रयास में कमी रह गई। इसलिए अपने प्रयास को बढ़ाया जाए। जो चिंता करता है वो सफल नहीं होता, जो चिंता करता है वो सफल नहीं होता, सफल वो ही होता है जो अपने आप को सब तरह के बंधनों से मुक्त रख करके कर्म को करता है। चिंता करने वाला, प्रलोभन करने वाला, स्वार्थ रखने वाला कभी भी कर्म में सफल नहीं हो सकता। यदि हमारे सभी कार्य लोक मंगल की दृष्टि से होने लग जाएं, हम करने लग जाएं हर कार्य को, मैं फिर से कह रहा हूं, जो ध्यान पर जोर दिया जा रहा है उस ध्यान का उद्देश्य ही ये है कि हमारी जिंदगी का कतरा कतरा, कण कण लोक मंगल में जाकर के लग जाए। अर्थात ध्यान के माध्यम से हमें उस भावना को जागृत करना है। कल बिटिया पूजा अभी लाइन पर है, वो मेरे से बात कर रही थी ध्यान की। मैं उसको भी बता रहा हूं और आप सबको भी बता रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव की दिशा निर्देश के अनुसार आपकी अपनी एक स्वतंत्र चेतना है। आपकी स्वतंत्र चेतना के ऊपर गुरुदेव की चेतना काम कर रही है। जैसे जैसे गुरुदेव कहते चले जा रहे हैं, सूक्ष्म लोक में उसी तरह के परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव समर्थ सत्ता हैं, समर्थ सत्ता हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को कोई अनुभूति हो रही हो ना हो रही हो, परंतु दिव्य चेतना, परम पिता परमात्मा की चेतना परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश के अनुसार अपने काम को कर रही है। बहुत ही जल्द इसके परिणाम आज आपको मैं मान सकता हूं कि नहीं पता लग रहा, परंतु आप लोक मंगल की भावना को ध्यान में रख करके कर्म को करते जाइए, इस ध्यान को करते चले जाइए। मंजिल जरूर मिलेगी। मैंने ही अभी कहा है, कर्म की सफलता का मतलब असफलता का मतलब है, कर्म को उतने मनोयोग और रुचि के साथ नहीं किया गया
जितने से कर्म की पूर्ति हो जाती और वह आपको सफलता दिला जाता, अर्थात उस स्तर से हमने कर्म को नहीं किया। कर्म का योग करना है, कर्म का योग करना है। ध्यान भी एक कर्म है। अपने अंदर उन लोक मंगल के गुणों को जागृत करने के लिए हम ध्यान का कर्म कर रहे हैं, परंतु अंदर से समर्पण का भाव हमारा उसी तरह का जगता चला जाए। कल मैं पूजा को कह रहा था, वो सिद्धियों की बात कर रही थी, मैं उसको कह रहा था जब आपके ये चक्र जगने लग जाएंगे तो वो गुण जिनको भगवान के गुण कहते हैं वो इस शरीर रूपी पिंड के अंदर अपने आप क्रियाशील हो जाएंगे। प्रकृति भी आपका अनुसरण करने लग जाएगी। इतनी क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि प्रकृति भी आपको रास्ता देने लग जाएगी। सोचिए जो कहा जा रहा है। आपको बस क्या करना है, उन क्षमताओं को जागृत करना है। उच्च भावना के अनुरूप पुण्य फलदायक ही होंगे। इन भावनाओं के रहने से जो दुष्टता का समावेश, बुराइयों का समावेश, कमियों का समावेश हमारे अंदर है वो भर जाएगा। कोई व्यवहारिक ज्ञान की कमी से त्रुटि रह भी गई तो आपका कृत्य कभी दूषित नहीं होगा, कभी दूषित नहीं होगा। स्वार्थ बुद्धि से किया गया परमार्थ भी व्यवसाय बन जाता है। स्वार्थ बुद्धि से किया गया कर्म व्यवसाय बन जाता है। लाभ हानि को देखा जाता है, कोई मत देखो। मैं अंधी भेड़ की तरह से चलने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु स्वभाव में परिवर्तन की बात मैं आपसे कर रहा हूं। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? अगर नहीं आई तो लिखो। वरना ये भी एक क्रिया बनकर के, एक परंपरा बनकर के रह जाएगी। उससे कोई लाभ नहीं होगा। हमें तो लाभ की बात सोचनी है, आत्म कल्याण की बात सोचनी है। भाई एक बात तो जान ले, मैंने कहा है लिखिए, अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो लिखिए, अगर नहीं आई है तो मैं फिर बताऊंगा। लोक मंगल की भावना जगनी चाहिए, लोक मंगल की भावना जगनी चाहिए। उसके बगैर काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ साथ जाने वाला नहीं है, आपकी योग्यता आपके साथ रहेगी। ये जीवन योग्यता के संवर्धन के लिए आपको मिला है, योग्यता के संवर्धन के, चरित्र निर्माण के लिए आपको मिला है। दोबारा सुनना बेटा, सालू नहीं सुना है तो दोबारा से सुनना।
अच्छा चलो फिर से बताता हूं, लाभ हानि का जीवन मरण से कोई संबंध नहीं है। जिंदगी की लाभ हानि का संबंध जीवन से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध सांसारिकता से है। और इसके साथ हमारा संबंध होने के कारण मान अपमान, लोभ मोह, चिंता, ये स्वार्थ, ये सब इनकी पूर्ति हम करते रहते हैं। मैंने देखा हमारे गंगा विहार के कार्यकर्ता हैं सत्यनारायण अग्रवाल, बेचारे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, पर मैंने जब भी देखा वो गुरुदेव के काम को चुपचाप अकेले करते रहते हैं, चुपचाप अकेले करते रहते हैं, कभी दिखावा नहीं करते और कभी लाभ हानि भी नहीं देखते। बेटा जीवन एक अलग चीज है, शरीर और संसार एक अलग चीज है। सीधा सीधा सुनिए, संसार का लगाव शरीर के और शरीर का लगाव संसार के साथ है या नहीं है? परंतु दूसरी तरफ देखिए, शरीर का लगाव मन और बुद्धि के साथ भी है। इसलिए शरीर पर आकर के हम टिक गए, शरीर पर आकर के हम टिक गए। और मैंने ही कहा था धरती का ऊपरी भाग कबाड़ और गंध से, गारा से, कीचड़ से भरा पड़ा है, परंतु अगर कीचड़ के नीचे भी एक बिल्हान नीचे खोद लें तो साफ सुथरी मिट्टी निकल करके आती है। मैंने ही कहा था ऊपरी परत को सुख चाहिए, हमारे जीवन की ऊपरी परत शरीर को सुख चाहिए, मन को चाहिए, बुद्धि को भी चाहिए, ये ऊपरी परत है। पर शरीर में जीवन है, बुद्धि में ज्ञान है, मन में विचार है, जब इनकी गहराई में, ऊपर तो कबाड़ है पर इनकी गहराई में जाओगे तो तथ्य आपको समझ आएगा, जिंदगी की वास्तविकता आपको दिखाई देगी। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब कुछ कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। ऐसी विभूतियां आपके अंदर समाई पड़ी हैं जिनको जागृत किया जाना है, और उनको जागृत करने के लिए ही इस ध्यान की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इस ध्यान की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। आप इसको खेल मत मानिए, ना आप इसको खेल मत मानिए। अगर जिंदगी का यथार्थ निकाल करके लेकर के आना है तो और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान में आपको डूबना पड़ेगा, और डूबोगे तब जब आपके मन में लोक मंगल की भावना जागृत होगी। मैंने जन्म अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिया है, मैंने जन्म अपने चिंताओं को करने के लिए, तृष्णाओं को करने के लिए, लोभ और उनको करने के लिए, बुराइयों को करने के लिए नहीं लिया है। संसार यही है, धरती यही है, खेत बाड़ी सब यही रह जाएंगे, वो मेरे और किसी काम नहीं आएंगे, केवल शरीर संचालन के लिए मात्र मुझे मिले हैं। आदमी बस इतने पर खुश होता रहता है,
कि मेरे पास तो इतना सारा है, परंतु अहंकार में डूबता रहता है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा है कि आपका गुण आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चरित्र निर्माण इसी को ही कहते हैं। अपने चरित्र के निर्माण के लिए ही हमने इस जीवन को धारण किया है। कर्तव्य भावना के लक्ष्य की पूर्ति, कर्तव्य भावना के लक्ष्य की पूर्ति, ये ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हाँ बेटी, हटाओ, मैं यही तो चाहता हूं, अंधकार हटे, अंधकार हटे, नहीं तो हम इन्हीं स्वार्थों में डूबे रहेंगे। इन्हीं स्वार्थ, भोग विलास, इन्हीं के अंदर हम डूबे रहेंगे। हमें उस वास्तविक उद्देश्य को समझना है जो हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। बेटा, हम में से हर किसी के अपने अपने नसीब, अपना कर्म है। हर किसी का अपना अपना नसीब और अपना अपना कर्म है। पता नहीं हमने किस किस तरह के कर्म करके रखे हुए हैं। वर्तमान प्रबल है, वर्तमान ही शक्तिशाली है। जो वर्तमान की सेकंड कह रही है, उस क्षण को देखिए जिसमें आप जिंदा हैं, जिसमें आप कर्म को कर सकते हैं। अरे पिछला गया, उस पर मत पछताइए, ना छोड़ दीजिए उसको, उसको छोड़ दीजिए जो गुजर गया। अपनी वर्तमान की, अपनी वर्तमान को बनाइए, अपने वर्तमान को बनाइए। मैंने अभी कहा था, भावनाओं में अगर दुष्टता का भी समावेश होगा तो चला जाएगा, चला जाएगा, नहीं टिकेगा। जो भी बुराइयां होंगी, जो खड्डे होंगे, वो सब भर जाएंगे। व्यवहारिक ज्ञान की कमी के कारण त्रुटि रह जाती है। व्यवहारिक ज्ञान की कमी के कारण त्रुटि रह जाती है, बस उसकी पूर्ति करनी है, उसकी पूर्ति करनी है। कैसे होगी? मैंने कहा है, परम पूज्य गुरुदेव की चेतना, उनकी सत्ता हमारी सत्ता पर अपने काम को कर रही है। करने दीजिए उनको, अपने काम को करने दीजिए। हमारी चेतना के साथ लगाव, जुड़ाव उनका है, आप भी उनके साथ अपने आप को जोड़िए। जो गुरुदेव बोल रहे हैं वो हमारी चेतना पर कर रहे हैं, बस इतना मान लें आप। ध्यान का क्रम यहीं से शुरू हो जाएगा, बस इतना मान लें कि जो गुरुदेव बोल रहे हैं वो हमारे साथ कर रहे हैं, वो हो रहा है हमारे जीवन में, हमें अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये तथ्य अगर आपकी समझ आ गया तो बात बन जाएगी। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब समय हो रहा है ध्यान का, इसलिए जल्दी लिखिए। अगर इतनी बात समझ नहीं आई तो कल फिर समझाऊंगा इसी बात को। दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया।
सप्तर्षियों का तप स्थान। शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व गायत्री तीर्थ अखंड दीप नित्य यज्ञ नियमित जप ब्रह्म संदोह दिव्य वातावरण तीन दिव्य सत्ताओं का संरक्षण त्रिवेणी संगम भाव समाधि वासना शांत तृष्णा शांत अहंता शांत उद्विग्नता शांत दिव्य दर्शन प्रातःकाल पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय स्वर्णिम सूर्य सविता गायत्री का प्राण सविता सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडली जागरण कुंडली जीवनीषत् कुंडली अंतः ऊर्जा
कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन समुद्र मंथन, जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय,
ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण देघन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का बेधन मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का बेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रभेद शब्दभेद लक्ष्यभेद वेधन शोधन जागरण षटचक्रों का जागरण मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्ध चक्र जागरण आज्ञा चक्र जागरण षटचक्र जागरण कुंडलिनी जागरण चतुर्थ चरण विस्तरण सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार ब्रह्म सत्ता में विस्तार चिंगारी का दावानल में विस्तार ज्योति का ज्वाला में विस्तार
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावादल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाद जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। सोमा ज्योतिर्गमय
हम सो मां ज्योतिर्गमय, तम सो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलनी जागरण के पांच चरण पंचोंकार। चेहरे पर फिराएं, धीरे धीरे आंख खोलें। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।